इंतज़ार था वो आ गया, बाकी नज़र आ गया। वरदायिनी माता के पल्ली का रथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुका है। ये देखिए, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव पूरा दिन लग गया। છોકરો છે એ ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ। सो हम पीछे का नज़ारा थोड़ा देखो आप, ये सब देखकर आपको लग ही रहा होगा साला कुछ तो गड़बड़ है, इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई हैं। हाँ, बाय द वे वेलकम टू डिस्कवर द डिस्टेंस। थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। क्यों? एक खास दिन है। खास दिन इसलिए है क्योंकि आज है नवरात्रि का 9वां दिन, कह लो नवरात्रि का आखिरी दिन। और मैं कहीं पहुंच चुका हूँ। कहाँ? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है, वेट करो। सामने जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो हमारा अस्थाई बस स्टेशन है, जो कि रूपाल के लिए इस खास दिन के लिए मनाया जाता है। और ये है अपना मेन रोड। फ़ोन तो हमारा कुछ ज़्यादा हिल रहा है, अभी हिलते फ़ोन से क्या शूट करेंगे। थोड़ी फुटेजेस थोड़ी क्लियर हो गई। मैं हिलते हिलते चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फ़ोन हिल रहा है, पता नहीं कुछ तो है। वो सामने है एक आश्रम, पास जाके दिखा देता हूँ, तुम करने की क्या ज़रूरत है। ये अपना मेन रोड। सो ये है वो आश्रम, क्या नाम था जो भी होगा, अब भूल जाता हूँ। मेन बस स्टेशन आ जाता है जहाँ बसेस रुकती हैं मेन रोड पे। तो सीक्रेट रिवील करने का वक्त आ गया। दरअसल आज है मंगलवार, सुबह के बज रहे हैं 5 और दिन है नवरात्रि का 9वां दिन यानी नवमी। और नवमी की रात रूपाल अपने पल्ली यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे उत्तर गुजरात के अंदर, और कहा जाए तो पूरे देश में और दुनिया में भी। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं माता के पल्ली के दर्शन करने। अभी क्या पल्ली की विशेषता क्या है कि पल्ली के ऊपर शुद्ध देसी घी का अभिषेक किया जाता है। और जो आप सामने देख रहे हैं ये सब मार्केट है, ये सब टेम्पररी मार्केट है जो आज ही बनी है और आज ही ख़त्म हो जाएगी सुबह। गिन लो आपकी सुबह करीब 7 बजे के आसपास। तो ये सब मार्केट, ये चाय नाश्ता और सब खिलौने बैंगल्स, अब समझ लो ना जो भी है, क्या करेंगे। ये देखो खिलौने, वो सामने मंदिर। तो सबसे पहले मंदिर का ही दर्शन किया जाएगा अगर अंदर जा पाए तो। वैसे आमतौर पर भक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इस बार मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी लोग COVID-19 का डर भूल नहीं पाए। इसकी दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी भीड़ बहुत कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ है, पब्लिक है। और मैं क्या बोलूँ, ये देखो गुजरात पुलिस की गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, इससे पता चलता है कि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए
खास तौर पर गुजरात पुलिस क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराती है? यहाँ पे पोस्टर से चलो मंदिर में जाके देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए ये हमारा मंदिर है। प्रचार का कुछ करना पड़ेगा भाई, वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है। हाँ ये रहा। तो ये है हमारा वरदायिनी माता का मंदिर और सामने स्क्रीन में आपको पल्ली का नज़ारा देखने को मिल सकता है। फुटेज थोड़ी ख़राब है। हाँ ये रही, जब सामने आएगी तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो अब सही से मंदिर दिख रहा है। तो ये सारा डेकोरेशन देखो, ये सामने डिस्प्ले। भीड़ तो ज़्यादा है, दिखना कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, सामने आएंगे तो जरूर दिखाएंगे। फिलहाल आप देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पे, कह सकते हैं भक्त है, भक्त सारे देश विदेश से आए हैं दर्शन करने। और ये रहा माता का नया मंदिर। सो गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया, एक्चुअली मैंने बताया है नहीं, मैं जानबूझकर मंदिर के गर्भगुरु का जो नज़ारा है उसका मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि उसका फुटेज पहले से ही मेरे पास है। तो अगर आपको फुटेज देखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में से जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी उस टाइम जो है मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो वो थोड़ा शोर मचाओ ज़्यादा है। फिलहाल ये मंदिर बिल्कुल तैयार है, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्शन लाइट्स की वजह से उसका कलर ही कुछ अलग दिख रहा है, बहुत ही अलग। ये देखो सामने, ये अर्जुन द्रौपदी मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे भक्त। गजराज मंदिर का दरवाज़ा और यहाँ पे एक लोक डायरे का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जो है करीब 16/10/2022 रविवार रात को 8 बजे। तो बैक ऑन ट्रैक, अभी पल्ली यात्रा का रथ जो है उसको आने में काफ़ी टाइम है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, थोड़ा अपर्चर सेट करना पड़ेगा नहीं तो सब गुड़गुड़ा हो जाएगा। सो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इसी नज़ारे के लिए ये मंदिर और पल्ली यात्रा फेमस है, और वो है शुद्ध देसी घी। अभी तो थोड़ा सा नज़ारा है, अभी तो उससे भी ज़्यादा है, पर देखते हैं आगे जाके कहीं कुछ देखने को मिल जाए। देखिए दुनिया की सबसे महंगी चीज़ खिलौने में बिक रही है 10-10 रुपए के भाव। ये देख रहे हो, और ये जो ट्रैक है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, और यही वो रास्ता है जहाँ से अभी कितने बजे, करीब 5:30 के आसपास होने चाहिए, तो 6 बजे के आसपास पल्ली यात्रा इसी रास्ते से आएगी। हाँ देखो, ये सब एक दिन का मार्केट है, ट्रिप एक दिन का, सब कुछ एक दिन का है। कुछ शॉपिंग किया जाए क्या कहते हैं,
सोचते हैं क्या शॉपिंग किया जाए। कहीं हमारा भाई पीछे ना रहिए, उसको साथ में लाना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल है, यही मेन ट्रैक है, पर एक दिक्कत है भाई, जिसके लिए जो ये है पल्ली यात्रा फेमस, वो चीज़ तो दिख ही नहीं रही हमको है। ये देखने के लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, हमको भी नहीं पता, ढूंढते। ये देखिए बर्तन मिल गए, यहाँ कुछ अलग देखने को सामने मिल रहा है, ये बच्चों के लिए। देखो कितना बड़ा राइड है, देखो कितना बड़ा, इस राइड में तो सब डर जाएंगे यार, किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। देखो यहाँ भी है कुछ छोटे छोटे राइड, ठीक है। हाँ, जो देखने आए थे वो तो दिख नहीं रहा लगता है, उसी से इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा, कोशिश तो करते हैं। देखा तो सही, कहीं तक मिलेगा। ये देखिए थोड़ा ये चाय पानी का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है सामने, और बाकी ये देखो खेलो छोटे छोटे ले खिलौने, दिख तो कुछ नहीं रहा भाई। इस पल्ली में पिछले सप्ताह पहले के मुकाबले थोड़ा कम मजा है। ओके ठीक है, क्या करेंगे, नहीं है तो नहीं है। ये देखो यहाँ पे खिलौने हैं, चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं। का नज़ारा तो आप देख ही रहे होंगे, लोग को पल्ली का दर्शन करने के लिए कौन कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं। तो सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, वरना पास के जाके दिखा था। और ऐसी तो गांव में बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है, अलग अलग स्टेजेस है, से चौकारी बोला जाता है इस गांव की भाषा में, और चार चौकारियां हैं ऐसी। हाँ स्क्रीन के पास जा सकते हैं, ये चलो पल्ली को आपको नज़दीक से दिखाते हैं स्क्रीन में, तो यहाँ पे अंदर जाने की मुश्किल है, बताओ। तो ये है हमारा पल्ली यात्रा का स्टेटस, ये फिलहाल स्क्रीन से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि लाइव तो बहुत मॉर्निंग में दिखाऊंगा, करीब 6:30-7 बजे के आसपास। और देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग वही देख रहे हैं जो इस फुटेज में दिख रहा है। देखो यहाँ पर पल्ली का रथ स्क्रीन पे पहुँच चुका है, ये देखिए 4 बड़ी बड़ी ज्वालाएँ, और उसके ऊपर अभिषेक होता हुआ बहुत सारा अनगिनत शुद्ध घी। सुबह के 6 बज चुके हैं, और देखो सामने का नज़ारा, धीरे धीरे उजाला होने लगा है, अभी मार्केट भी धीरे धीरे खाली हो रहा है, पब्लिक ख़त्म, यहाँ पे पार्किंग एरिया बहुत सारा। देखो
कितनी गाड़ियाँ खड़ी है भाई, कितनी गाड़ियाँ, देखो। ठीक है, हम चलते हैं मंदिर की ओर। थोड़ा बहुत तो स्टेबल करना सीख गया हूँ, है देख लो, मेरा फोन ऐसे ही भी हिलता रहता है, फिर भी नहीं हिलता, देखो। धीरे धीरे अभी उजाला हो रहा है, सुबह होने वाली है, ये सारा मार्केट एरिया सारा का सारा मस्त सेल रह रहा है, 150 में दो खिलौने ले लो। अभी खाले करने का भाव है भाई, भैया फटाफट शॉपिंग कर लो, फिर अगले साल आएंगे। धीरे धीरे उजाला हो रहा है, नज़ारा क्या दिखाऊंगे, कितना उजाला कर रहे हैं। चलो पब्लिक अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर असली नज़ारा तो अभी होने वाला है, असली नज़ारा। हाँ, वो जो सामने रास्ता है, अभी थोड़ी देर पहले हम उधर से आए थे, बस उसी रास्ते से पल्ली का मंदिर की ओर अग्रसर होगा, ये तो मैं अपने पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ। अभी जो पिछले वीडियो में जो मैंने जो दरवाज़ा दिखाया था, जिस रास्ते से रथ प्रवेश करता है, वही सामने वाला है। ये वाले रास्ते से रथ अंदर जाता है, वो सामने रथ की प्रतिकृति भी बनी हुई है, मैं जूम करके देख रहा हूँ, थोड़ा पास में जाएंगे। ये रहा, ठीक है, ये है पल्ली के रथ का लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम दिस स्क्रीन विच इज माउंटेड on the top of the high school of Rupal. अभी पता नहीं कहाँ है, मेरे ख्याल से नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि सुबह होने वाली है और ज़्यादा देर रहता नहीं है, तकरीबन 7 बजे के आसपास रथ यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। तो सामने वाला दरवाज़ा, अरे ज़्यादा जूम हो गया, तो उस रास्ते से, यही रास्ता है, इसी रास्ते से प्रवेश करेगा, और ये सामने ऊपर स्क्रीन और वो सामने मंदिर। अरे देखो भक्तों की कितनी लाइन लगी है, हमारे भक्त आ गए, हाँ ये रहे। देखो भाई मंदिर का नज़ारा क्या लग रहा है, पूरा गुलाबी मरून, अरे कौन कौन से कलर प्रोजेक्ट लगे हैं ना, उसका मंदिर का पूरा नज़ारा ही बदल गया है। देखो, देखो। अरे अंधेरा हो गया, पल्लक की बात करते हैं। तो पल्लक की यात्रा की शुरुआत पांडवों द्वारा की गई थी, जिसका एक अर्जुन द्रौपदी मंदिर भी वहाँ पर प्रांगण में मौजूद है। तो उसके पास जो पेड़ है, जिसे हम वरकड़ी के नाम से जानते हैं, उस पेड़ के अंदर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र छुपाए थे, ताकि अपनी पहचान छुपा सके। और उसके बाद जब अज्ञातवास पूर्ण हुआ, तो उन्होंने वहीं से अपने शस्त्र वापस लिए और वदायनी माता से आशीर्वाद मांगा कि वो युद्ध में विजयी हो। तो वरदान के अनुस्वरूप वो विजय हुए युद्ध में, और तो उनके सम्मान में उन्होंने ये पल्ली यात्रा की शुरुआत करी। पल्ली यात्रा की विशेषता ये है कि यहाँ पे पल्ली यात्रा में जो रथ बनाया जाता है, रथ के ऊपर चारों दिशा में एक एक और एक ऊपर, ऐसा करके 5 से बड़े बड़ी ज्वालाएं होती है, दिया कह सकते हैं, ज्वाला कह सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के ऊपर
शुद्ध देसी घी का अभिषेक किया जाता है। लोग यहाँ पर मंदिर में मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत के रूप में भी उनको घी का ही अभिषेक करना पड़ता है। तो क्या है कि एक एक बंदे का एक एक घी का अभिषेक नहीं किया जा सकता, तो अलग अलग जगह पे बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर का अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी ट्रैक्टर की ट्रॉली का नज़ारा दिखाया था। तो ये सब अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ आप अपना जो मन्नत का घी है वो उसमें सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आपका घी भी मंदिर रथ के ऊपर अभिषेक कर दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक नज़ारा और भी आप देख रहे होंगे कि भाई छोटे छोटे बच्चों को भी उठा के रथ के ऊपर से घुमा करके लौटा दिया जा रहा है। ये वही बच्चे हैं जिनका जन्म किसी मन्नत के कारण हुआ है, जो कि वरदायिनी माता के प्रभाव से हुई हुई है। तो ये है मंदिर के परिसर का सुबह सुबह का नज़ारा। अगर मैं सही हूँ तो कितना बजा है टाइम देखते हैं, 6:26। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस फ्रॉम रोपाल। तो ये कुछ नज़ारा है आज का सुबह सुबह का। ये नवमी का रात, नवमी का दिन कह लो, नवमी की रात कह लो, जो भी है पल्ली की है रोपाल के लिए खास होती है, और उस दिन पूरा गांव जागता है। इंतजार की घड़ियां खत्म, आपकी आंखों के सामने हो रहा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है मंदिर की ओर। थोड़ा वॉल्यूम का थोड़ा डिस्टर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पेट्रोल वगैरह का सामने मिल रहा है। हाँ यही सही, और आप बिल्कुल बिल्कुल आँखों के सामने अभी मैं फुल जूम में शूट कर रहा हूँ, ऊपर आ जाओ ऊपर से आगे नहीं कर सकते। पल्ली का रथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुका है। ये देखिए, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव जो पूरा दिन लग गया सिर्फ इस नज़ारे को देखने को।
जिस शब्द के लिए मैं यहाँ तक आया था, जिस शब्द के लिए पूरी दुनिया फेमस है, वह है घी की नदिया। जिस गांव में घी की नदिया बहती है, तो घी का स्टॉप तो हमने दिखा दिया, अभी घी तो देखना पड़ेगा ना कि घी है किधर, है घी कहाँ है भाई, घी कहाँ है। तो चल दिया हूँ उसकी खोज में। शायद रात को जब जिस लोकेशन से मैंने घी दिखाया था, शायद उसी जगह पे तो घी मिल सकता है। चलो देखते और रास्ते में गिरा हुआ मिलेगा, इतना आसान तो नहीं हो रहा है तक पहुँचना। चलो अभी भी आगे है, वहाँ सामने सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं और मैं अभी भी लगा हूँ तलाश में। बस तो अब पैकअप का टाइम हो चुका है, सब ने जो अपनी अपनी दुकानें और स्टॉल्स लगाए थे अब उसे उठा के घर चलने का वक्त आ चुका है। बस मैं घी की नदियाँ ढूँढूँ, बस ये देखो ये मिल गई, घी की नदी मिल गई भाई, नदी मिल गई छोटी सी, ये देखो ये है वो नज़ारा। और ऐसा हर जगह पर होता है, पर फिलहाल हम इसी से काम चला जाएंगे। तो ये है घी का नज़ारा, गिरा हुआ अभिषेक किया हुआ घी है। इसको पर्टिकुलर एक ही समाज के लोग इसको उठा सकते हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे आना तो जाना तो है पर कोई इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। हाँ तो ये है, और वहाँ सूर्य देवता अपना कहर बरता करके लगे पड़े। सूर्य देव गुड मॉर्निंग। तो अभी वैकुंठ ट्रैक घर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है। हैप्पी हो धनी हो। तो ये सब सामान तब पैकअप हो रहा है, सब लोग घर की ओर चल रहे हैं। और हाँ एक खास बात तो बताना ही भूल गया, ये जो पल्ली यात्रा है वो हर साल नवमी को यानी नवरात्रि के नौवे दिन रात को होती है। रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास शुरुआत होती है और सुबह 7 बजे तक मंदिर में प्रवेश कर जाती है। जैसा कि अभी प्रवेश हुआ, मैंने शूट किया था, जब मैंने वीडियो क्लोज करा मैंने देखा कि एग्जैक्टली 7 ही बजे थे, यानी मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा था, सही टाइम पे सही जगह पे। और एक और ख़ास बात कि रात को शाम को करीब 6 बजे के बाद रूपाल गांव के सारे रास्ते जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकता है वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं पुलिस प्रशासन और होमगार्ड्स के द्वारा, बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, सिर्फ पैदल यात्री जा सकते हैं और कोई नहीं। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाना चाहते हैं तो ऐसा है कि आपको 6 बजे से पहले ही प्रवेश कर जाना चाहिए क्योंकि गुजरात सरकार की गाड़ी। तो आपको 6 बजे से पहले ही यहाँ प्रवेश कर देना पड़ेगा, अन्यथा आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो पैदल तो जा ही सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो नज़ारा है वो पैदल का है। देखो ये सब आ रहे हैं स्वयं से ही, पूरी तरह से घी में लथपथ हुए, ऐसा नज़ारा तो कहीं नहीं मिलता भाई, कहीं नहीं ऐसा हमको देखने को मिला। रात भर जागने का जो हमने काम किया था, पूरा दिन जागे, हाँ पूरी रात जागे, इसका हमको फल मिला है। तो ये इस फल को हम खुद अकेले नहीं खाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो सब लोग अब जा रहे हैं अपने अपने घर और पुलिस प्रशासन की तरफ से सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, अब आप आ जा सकते हैं। और मेरी तरफ से जय वर्धनी माँ, और मिलते हैं अगले साल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और लिंक में
मैं अपने वरदायिनी माता मंदिर के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक भी डाल दूंगा, तो जाओ चेक करो और घर बैठे शानदार पल्ली का नज़ारा एंजॉय करो। देन मी जिग्नेश साइनिंग आउट।